संजीवनी बूटी से कम नहीं है यह साधारण सा दिखने वाला पौधा। जी हम बात कर रहे हैं सहजन की पौधे की, जिसमें ऐसे विभिन्न तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी रखने के साथ ही हमारे शरीर में विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, खनिज लवण, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस के साथ ही आयरन के गुण प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। ऐसे समय पर डॉक्टर भी इसके सेवन का सुझाव देते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में मोटापा, मधुमेह के साथ साथ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिसको लेकर के इसका सेवन बेहद लाभकारी माना जाता है। आमतौर पर जिसमें पत्तियां और फलियां होती हैं, इसकी सब्जी भी बेहद स्वादिष्ट मानी जाती है। इसके साथ ही हमारे शरीर में पेट का दर्द, अल्सर के साथ साथ सब्जी लीवर और किडनी को डिटॉक्सिफाई करने के साथ ही थायराइड जैसी समस्याओं को भी लाभ पहुंचाती है। ऐसे समय पर डॉक्टर बताते हैं कि जिस प्रकार सहजन की सब्जी बेहद लाभकारी होती है तो स्वादिष्ट से भी भरपूर होती है, जिस प्रकार इसका प्रयोग हर किसी को करना चाहिए। सहजन में विभिन्न गुण होते हैं हमारे बॉडी के लिए, किस तरीके से कार्य होता है? देखिए सहजन एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है जी। इसकी जो है पत्ती, इसके फल, इसमें इतना न्यूट्रिशन है कि आपका संतरे से कई गुना अधिक विटामिन सी है, आयरन एप्पल से कई गुना अधिक होता है, विटामिन ए गाजर से कई गुना अधिक होता है जी। इसके अलावा इसमें सारे मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन हैं और इसमें जो है आपका न्यूट्रिशन पूरा है जी। अगर हम इसकी सब्जी बना के, इसकी फल की सब्जी बना के या इसके पाउडर बना के इस्तेमाल करते हैं तो कुपोषण जो बच्चों में होता है, बड़ों में जी, उसको ये ठीक कर सकता है। तो आमतौर पर सुपर फूड हम कह सकते हैं इसे, हरी सब्जियों में सुपर फूड कह सकते हैं। ये अपने आप में एक कम्प्लीट न्यूट्रिशन है जो कि किसी भी तरह की बीमारी में और किसी भी तरह के कुपोषण में इसको दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से लोकल 18 के लिए सत्यम कटियार की रिपोर्ट।